हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ किचन के कुछ छोटे छोटे टिप्स शेयर कर रही हूँ जो आपके रोज़मर्रा के काम को बेहद ही आसान बना देंगे और आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी। दोस्तों, आप मेरी वीडियो किस शहर किस देश से देख रहे हैं मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइए, जिससे मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं पहली यूज़फुल टिप। पहली टिप के लिए हम ले लेंगे एक बाउल और इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा वाइट कोलगेट। लगभग एक दिन के बराबर जितना हम पेस्ट करते हैं उतना हम कोलगेट डाल देंगे। और इसी के साथ हम डालेंगे आधा चम्मच सरसों का तेल। अब इसमें हम डाल देंगे वैसलीन। वैसलीन का इस्तेमाल हम सर्दियों में ज़्यादातर करते हैं, मगर आप गर्मी में भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मैं आपको बता रही हूँ। तो आपको ले लेना है थोड़ा सा वैसलीन। अब इन तीनों चीज़ों को हमें चम्मच की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये तीनों चीज़ें आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाती हैं, तो इन तीनों चीज़ों को मिक्स कर लेना है। अब इसका प्रयोग हमें कहाँ पर करना है, तो चलिए मैं बताती हूँ कि इसका इस्तेमाल हम कहाँ पर करेंगे। दोस्तों, बहुत से लोगों का पैर गर्मी के दिनों में भी बहुत ज़्यादा फटता है, तो आप इस सॉल्यूशन को रात में सोते समय अपनी एड़ियों पर और उंगलियों पर लगा लीजिए। उसके बाद आप मोजा पहनकर सो जाइए। आप देखेंगे कि आपके पैरों में काफ़ी राहत हो गई है। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, जब हम नैपकिन पेपर लाते हैं तो हम क्या करते हैं, इसे साइड से कट कर देते हैं, जिसकी वजह से नैपकिन इधर उधर हो जाता है। इसे निकालने और रखने में भी दिक्कत होती है। तो जब भी आप नैपकिन पेपर लाइए, आप इसे ऊपर की तरफ से कट करिए। देखिए, जैसे मैं वीडियो में आपको दिखा रही हूँ, आप इसे कैंची या चाकू की मदद से स्क्वायर शेप में कट कर लीजिए। इससे आपको नैपकिन को निकालने और रखने में बहुत ही आसानी होगी। देखिए, इसे मैं तीन तरफ से कट कर रही हूँ, एक तरफ छोड़ दे रही हूँ, जिससे नैपकिन निकालने के बाद आप इसे फिर से ढक सके और नैपकिन आपकी गंदी ना हो। तो जब भी आपको ज़रूरत हो, आप इसमें से एक एक नैपकिन आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, ये कितनी आसानी से निकल जा रहा है। और जब आप नैपकिन निकाल लें तो आप इसे ढक दीजिए, इससे आपका नैपकिन भी गंदा नहीं होगा। आई होप आपको ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो देखते हैं दूसरी टिप। दोस्तों, वैसलीन का इस्तेमाल हम अधिकतर सर्दियों में करते हैं, इसका बहुत ही कम इस्तेमाल हम गर्मियों में करते हैं। तो मैं आपके साथ वैसलीन का एक टिप शेयर कर रही हूँ। इसके लिए आपको एक चम्मच ले लेना है और इसमें आपको वैसलीन को डाल देना है। अब इस चम्मच में हमें वैसलीन को डालने के बाद इसे हमें गैस पर रखकर गरम करना है। बस इसे हमें मेल्ट करना है, तो इसे हमें हल्का हल्का घुमाते हुए मेल्ट करते जाना है। बस इसका पानी बन जाए, ना तो इसे जलाना है ना ही इसमें धुआं आने देना है। बस इसे घुमाते हुए हमें हल्का सा इसे मेल्ट कर देना है, बस ये पानी बन जाए। अब गैस को बंद कर देना है। अब हमें ले लेना है कॉटन। तो कॉटन को हमें तीन से चार टुकड़े कर देने हैं। आप चाहें तो और भी इसे बनाकर रख सकती हैं, तो मैंने इसके चार टुकड़े कर लिए हैं। अब इस कॉटन में हम इस वैसलीन को डालते जाएंगे और एक डिब्बे में रखते जाएंगे। दोस्तों, गर्मी के दिनों में हमारे शरीर में रैसेस हो जाते हैं, या फिर हम धूप से आते हैं तो हमारा शरीर जल जाता है, या फिर किचन में काम करते समय हमारे हाथ या पैर जल जाते हैं, तो उस समय ये वैसलीन की पट्टी बहुत ही काम आएगी। तो आप इसे डब्बे में रख के फ्रिज या फ्रीजर में इसे रख दीजिए। ये आपकी वैसलीन की पट्टी आपके बहुत ही काम आएगी। जब आपके फोड़े फुंसी हों, रैसेस हो, या फिर आपके शरीर में कहीं जलन हो रही हो, या फिर आप जल गए हों, आपके शरीर में कोई भी प्रॉब्लम हो गई हो, तो इस वैसलीन की पट्टी का आप इस्तेमाल करिए, आपको बहुत ही राहत मिलेगी। तो इस तरह से आप इसे बनाकर अपने फ्रिज या फ्रीजर में स्टोर करके रख दीजिए और जब आपको ज़रूरत हो तो आप इस पट्टी का इस्तेमाल करिए। आई होप आपको मेरी ये टिप पसंद आई होगी। दोस्तों, जब हम सब्ज़ी या फिर ग्रोसरी का सामान खरीदने जाते हैं तो इस तरह के पॉलीथीन के पैकेट हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मिल जाते हैं, और हम क्या करते हैं, या तो इन्हें फेंक देते हैं या फिर एक बड़े थैले में इन्हें डाल देते हैं, जिससे हमारा किचन देखने में भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसे अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करने के लिए मैं आपके साथ एक छोटी सी टिप शेयर कर रही हूँ। आप एक कोई बड़ा डब्बा ले लीजिए और उसके ऊपर आप सारी पॉलीथीन को पहना दीजिए।
जितनी भी पॉलिथीन आपके घर में है उतनी पॉलिथीन आप इस डब्बे को पहना दीजिए। अब इस पॉलिथीन को पहनाने के बाद आप नीचे की तरफ से इसे उठाइए। देखिए इस तरह से आपको नीचे की तरफ से इसे उठाना है और नीचे की तरफ गोल कर देना है। देखिए जैसे मैं कर रही हूँ, आप वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। अब हमें ले लेना है एक गद्दा, जो कि हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो हमें अधिकतर मिल जाता है, मगर मेरे पास ये स्लीपर का डब्बा पड़ा हुआ था तो मैं इसे ले ली हूँ। अब सारे पॉलिथीन को हमें इसके अंदर रख देना है। अब डब्बे को बंद करने के बाद ऊपर से आप कट कर दीजिए। आप चाहे तो डब्बे को पहले से भी कट कर सकते हैं। देखिए इसे इस तरह से कट कर देना है। अब जब भी आपको पॉलिथीन की ज़रूरत हो आप इसमें से एक एक करके पॉलिथीन आसानी से निकाल सकते हैं। इससे पॉलिथीन भी आपका अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज रहेगा और किचन भी आपका मैसी मैसी नहीं लगेगा, और पॉलिथीन इस डब्बे में रखने की वजह से ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगेगा। देखिए कितनी आसानी से एक एक करके पॉलिथीन बाहर आ रहा है। ये टिप मुझे काफ़ी पसंद आई, इसलिए मैंने आपके साथ भी इसे शेयर किया। आपको मेरी ये टिप कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। दोस्तों कभी कभी हमें गैस बनने लगता है या फिर एसिडिटी बनने लगती है, तो हम उसके लिए क्या करते हैं, दवा लेते हैं या फिर चूर्ण लेते हैं। उसकी बजाय आप क्या करिए, एक गिलास पीने का पानी लीजिए और उसमें एक प्याज बारीक कट करके डाल दीजिए। अब आप इसे ढककर रात भर के लिए छोड़ दीजिए या फिर 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। उसके बाद आप इसे छान लीजिए। प्याज का इस्तेमाल आप खाने में या फिर सब्जी में कर लीजिए और जो पानी है उसे आप खाली पेट पी लीजिए। गर्मी के दिनों में जब हम रात में भारी खाना खा लेते हैं तो हमारे पेट में गले में जलन होने लगती है, तो इस प्याज के पानी को जब आप पियेंगे तो आपको दवा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको बहुत ही राहत मिलेगी और जो आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो भी आपकी बिल्कुल दूर हो जाएगी। इसके लिए आपको कोई भी दवा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ आप इस प्याज के पानी को पीजिए, आपके पेट की सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देखते हैं दूसरी टिप। इस टिप के लिए हमें एक गिलास पानी सॉस पैन में ले लेना है और इसे हमें गैस पर रख देना है और इसी के साथ हमें डाल देना है 1/2 चम्मच चाय पत्ती। चाय पत्ती के साथ हम डालेंगे इसमें नहाने वाला साबुन, तो इसे हम ग्रेटर की मदद से ग्रेट करके डाल देंगे। तो बहुत ज़्यादा साबुन हमें नहीं डालना है, बस थोड़ा सा साबुन हमें इस चाय पत्ती में ग्रेट कर देना है। अब चाय पत्ती और साबुन को हमें अच्छी तरह से पका लेना है। तो जब ये अच्छी तरह से पक जाए तब हमें गैस को बंद कर देना है। देखिए पानी का कलर किस तरह से चेंज हो रहा है। जब ये अच्छी तरह से पक जाए तो गैस को बंद कर देना है। अब इसका इस्तेमाल करेंगे हम अपने कांच के कप को साफ करने के लिए। देखिए ये कांच का कप पड़े पड़े कितना गंदा हो गया है और इसमें कितने दाग धब्बे लग गए हैं, तो इससे साफ़ करने के लिए हम इस चाय पत्ती के पानी का इस्तेमाल करेंगे। इसके ऊपर हम इस चाय पत्ती के पानी को डाल देंगे। इस चाय पत्ती के पानी से हमारा गंदा से गंदा कांच भी बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है। इसमें हमें कुछ भी अब नहीं करना है। चाय पत्ती के पानी में कप को अच्छी तरह से डुबो लेना है। कप के चारों तरफ चाय पत्ती के पानी को लगा लेना है। अब हमें स्क्रबर की मदद से इसे हल्का सा साफ़ कर लेना है। इसे डुबोते ही आप देख रहे होंगे कि कप कितनी अच्छी तरह से साफ़ हो गया है। बस हमें इस स्क्रबर की मदद से हल्का सा इसे साफ़ कर लेना है। अब आपको मैं इसे धुलकर दिखाऊंगी कि ये कितनी अच्छी तरह से चमकने लगा है। पहले ये कितना गंदा था और अब देखिए ये कितना साफ़ हो गया है। देखिए इसे मैंने नॉर्मल पानी से वॉश किया है, आपको देखने से ही अंतर पता चल रहा होगा। इस तरह के मेरे पास ढेर सारे चाय के कप और ग्लासेस थे जिसे मैंने इस चाय पत्ती के पानी से साफ़ किया है, जो कि काफ़ी गंदे हो चुके थे। अब देखिए ये कितने चमकने लगे हैं। तो जब भी आपके कांच के ग्लास या कप गंदे हो गए हों तो आप इस चाय पत्ती के पानी का इस्तेमाल करिए, आपके कांच बिल्कुल नए जैसे हो जाएंगे। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये टिप पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं दूसरी टिप।
दूसरी टिप में हम इस पुराने से पड़े हुए बेकार से गद्दे का रीयूज़ करेंगे। दोस्तों, इस तरह के गद्दे आपको बहुत ही आसानी से ऑनलाइन शॉपिंग के समय मिल जाते हैं, तो उन्हें आप फेंकने की बजाय आप इनका इस्तेमाल करिए। तो मैंने इसे चारों तरफ से कट कर लिया है। अब इसका इस्तेमाल मैं करूँगी अपने बच्चों के टी शर्ट को रखने में। दोस्तों, बच्चे जब अपने कपड़े निकालते हैं तो एक कपड़ा निकालते हैं और दूसरा कपड़ा इधर उधर गिर जाता है, जिसकी वजह से उनका वार्डरोब हमेशा मैसी मैसी सा रहता है। तो आप इस तरह से उनके टी शर्ट को फोल्ड कर दीजिए और इस तरह से गत्ते में रख दीजिए। अब उन्हें जो भी टी शर्ट निकालनी होगी वो आसानी से निकाल लेंगे और आसानी से रख सकेंगे। तो इस तरह से आप फोल्ड करके सारे टी शर्ट को रख दीजिए। मैं अपने बच्चे के टी शर्ट को इसी तरह से फोल्ड करके रखती हूँ और जब उसकी जो इच्छा होती है वो निकाल कर पहन लेता है। इससे उसका वार्डरोब भी गंदा नहीं होता है और ना ही मैसी मैसी सा लगता है। अब आप इस गद्दे को कहीं पर वार्डरोब पर या फिर किसी भी अलमारी में आसानी से रख सकते हैं। ये देखने में भी काफ़ी खूबसूरत लगता है। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो देखते हैं दूसरी टिप। दोस्तों, जब हम माचिस का इस्तेमाल करते हैं तो माचिस को इस्तेमाल करने के बाद इसकी तिल्ली हम इधर उधर फेंक देते हैं, जो कि देखने में काफ़ी ख़राब लगता है। तो जब भी आप माचिस का इस्तेमाल करिए, उसके पीछे एक खाली माचिस का डिब्बा जरूर लगाइए। तो इस खाली डिब्बे को चिपकाने के लिए मैंने डबल साइडेड टेप का इस्तेमाल किया है। आप चाहें तो फेविकोल की मदद से भी इसे चिपका सकते हैं। तो इस डबल साइडेड टेप की मदद से आप इस खाली डिब्बे को इस पर चिपका दीजिए। अब जब भी आप माचिस का इस्तेमाल करिए, बुझने के बाद तिल्ली को आप दूसरे डब्बे में डाल दीजिए, जिससे आपका घर भी गंदा नहीं होगा और देखने में भी ये काफ़ी अच्छा लगेगा। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। तो चलिए देखते हैं दूसरी यूजफुल टिप। दूसरी टिप हमारी लहसुन को लेकर है। दोस्तों, जब हम लहसुन छिलने जाते हैं तो इसकी एक एक कलियां हम निकालते हैं, जिसे हमें काफ़ी समय लगता है। तो इसकी सारी कलियों को एक साथ निकालने के लिए आप इसे किचन स्लैब पर रख दीजिए और हथेली की मदद से इसे आप प्रेस कर दीजिए। आप देखेंगे सारी कलियां एक साथ निकल गई हैं। अब आप इसे आसानी से छिल सकेंगे। तो मैं आपके साथ इसके आसानी से छिलने का टिप भी शेयर कर रही हूँ, जिससे आपके लहसुन एक मिनट में ढेर सारे छिलकर तैयार हो जाएंगे। तो इसके लिए आप ले लीजिए एक चाकू और लहसुन को आप बीच से कट कर दीजिए। गर्मी के दिनों में लहसुन के छिलके सूखे हुए रहते हैं, तो ये और भी आसानी से छिल जाते हैं। देखिए, बीच से कट करिए और दोनों तरफ से लहसुन को निकाल लीजिए। इस तरह से आप 10 मिनट में 1 किलो लहसुन छिलकर तैयार कर सकते हैं। इसके लिए ना तो आपको ऊपर कट करने की ज़रूरत है, ना आपको नीचे कट करने की ज़रूरत है। बस बीच में कट करिए और लहसुन को निकाल लीजिए। इस तरह से आप 1 मिनट में ढेर सारे लहसुन छिलकर तैयार कर सकते हैं। देखिए, मैंने ढेर सारे लहसुन किस तरह से छिलकर तैयार कर लिए हैं। आई होप आपको मेरी ये छोटी सी टिप पसंद आई होगी। आपको मेरी कौन सी टिप सबसे ज़्यादा अच्छी लगी, मुझे कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।